अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में तकरीबन एक महीने से लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन है, सभी कल कारखाने कारोबार इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ठप है। जाहिर सी बात है इससे बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया और सभी इंडस्ट्रीज इसका भरपूर पालन भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीटीसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन यानी TMIA के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री पर जो कोरोना संक्रमण है और लॉकडाउन का इसका असर किस तरह का है। आप जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप मेरे बगल में जो ठीक बैठे हुए हैं मिस्टर परेश मेहता जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं TMIA के, और इसके बाद TMIA के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर KR गोबी साहब, हमारे साथ मिस्टर प्रकाश पड़िकल हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं TMIA के, और आखिर में जिन्हें आप देख रहे हैं मिस्टर नवनीत मशीलकर हैं जो आप ट्रेजरर हैं TMIA के। सर आप सबका स्वागत है। और इस वक्त जो कंडीशन है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं शुरुआत करूं, क्योंकि आप खुद एक इंडस्ट्री चला रहे हैं मिस्टर मेहता, तो जो लॉकडाउन है उसका इम्पैक्ट जो है आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या इसका असर पड़ा है जो महीने भर से लॉकडाउन चल रहा है, मैं बेसिक तौर पर आपसे जानना चाहता हूं। आज हमारे एरिया में टीटीसी एमआईडीसी में करीबन 4000 इंडस्ट्री जो काम करती थी उसमें से लगभग 20-25 को छोड़ के बाकी सब बंद है, और ये 20-25 भी औषध कंपनी या कुछ अति आवश्यक वस्तुओं को ही चालू है, वो भी 20% मतलब 10-20% लोग जो आ रहे हैं उतना ही चालू है, बाकी 99% इंडस्ट्री इज क्लोज्ड। ये इसके कारण जो आर्थिक नुकसान इंडस्ट्री को हो रहा है वो इतना भयंकर है कि जब ये स्टार्ट होगा, जब ये लॉकडाउन लिफ्ट होगा उसके बाद में ये एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने, इंडस्ट्रीज के सामने और इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने। सबसे बड़ी जो चुनौती इंडस्ट्रियलिस्ट को है वो चार पांच चीज़ों की जो चुनौती है वो कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री रेंट पे है, बहुत सारे लोगों का लोन बैंक लोन्स है जिसका EMI देना है, उसका इंटरेस्ट चालू है। आज ये 4000 इंडस्ट्री में करीबन 5 लाख लोग काम कर रहे हैं जिसकी ये एम्प्लॉयमेंट है डायरेक्टली, और 5 लाख करीबन इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है ये 4000 इंडस्ट्री में। अब सरकार ये बोल रही है कि आप ये इन सबको सैलरीज दो लॉकडाउन पीरियड की भी, लेकिन इसकी कुल राशि जो है वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो रहा है, तो ये इंडस्ट्री के सहन करने नामुमकिन है। और जो लोन्स बैंकों से ली गई है MSMEs की, सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि फाइनेंस कम रहता है, तो ये गाड़ी चलाने के लिए लोन्स लिए रहते हैं बैंकों से, NBFC से, प्राइवेट लेंडर्स से, तो उसके EMI और इंटरेस्ट चालू रहते हैं। तो मेरी ये सरकार से रिक्वेस्ट है, और हमने एसोसिएशन लेवल पे भी 2-3 मेमोरेंडम भेजे हैं कि इसको कम से कम माफ करना चाहिए 6 महीने के लिए। अभी जैसा प्रकाश, जैसे मेहता साहब ने, परेश मेहता साहब ने कहा कि ऑलरेडी 4000 तकरीबन कंपनियां हैं, और कहीं ना कहीं इसमें से अधिकांश ऐसी कंपनियां हैं जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे लोन लेकर चल रही हैं, तो इस लॉकडाउन के कारण बहुत बड़े पैमाने पर एक तरह से आर्थिक नुकसान हो रहा है। मैं KR गोपी साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि सर आप MIDC को लीड कर रहे हैं, किस तरह की दिक्कत आपको नजर आ रही है, किस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आपसे शिकायत कर रहे हैं कि उनको उबारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इसमें दिन में कम से कम 25 से 30 फोन कम से कम आती रही है कि भाई सर क्या हो रहा है, सर हमारी इंडस्ट्री कब खुल रही है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं। क्यों, मैं जब MIDC में फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठाते हैं, वो बोलते हैं व्हाट्सअप करो, हम व्हाट्सअप करते हैं, परमिशन के लिए पूछते हैं तो कोई परमिशन पेंडिंग दिखा रही है, कोई परमिशन दे रहे हैं, लेकिन अभी कल से तो बिल्कुल परमिशन देना बंद किया। अब ये 4000 इंडस्ट्री यहाँ पे है, इसके मैक्सिमम वर्कर्स जो आप, मैं बोलूँ 60-70% जो वर्कर्स है यहाँ बाजू में जो स्लम्स है वहाँ पे रहते हैं। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे नई मुंबई के इंडस्ट्रियल एरिया में आज तक एक भी कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं हुआ है, टचवुड वी आर
सेफ ईयर। आप अंबरनाथ जाइए या कोई भी इंडस्ट्री एरिया में जाइए, वहां पे रेजिडेंशियल जोन है ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को इंडस्ट्री चलाने देना चाहिए और हम मालिक लोग उन लोगों की सुरक्षा करें, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर है। हम उनकी सुरक्षा डेली रूटीन पे करें तो हम उनकी जिम्मेदारी ले लेंगे। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि भाई देखिए आप एक्चुअल पोजीशन क्या है। आप सब जगह लॉकडाउन करते हो, इसका कोई मकसद नहीं है। वर्कर लोग भूखे मरेंगे। आज सैलरी की बात बोल रहे हो गवर्नमेंट कि इन्हें सैलरी दो, हम कहां से देंगे? हमारे को गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, जो पैसे उन्होंने ESIC में जो कलेक्ट किए हुए हैं, ये वेलफेयर फंड है, प्रोफेशनल टैक्स है, जो वर्कर को कोई प्रोफेशनल प्रोफेशन देने का ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन इनके प्रोफेशनल टैक्स में 200 रुपए काटते हैं। ये सब कटे हुए पैसे जो है, अब नहीं तो कब उसका इस्तेमाल होगा? तो हमारी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमको आप जबरदस्ती नहीं करें कि हमें पगार दे। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को देखे और सारे लोगों को जिसकी जिसकी ESIC PF ये कट रहे, उनके सारे लोगों का पैसे जो है, पगार जो है, गवर्नमेंट भरे। हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी हम रेट में मिल गए हुए हैं। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, वर्कर लोगों को संभालना बहुत जरूरी है। अब हुई बात लॉकडाउन की, अब लॉकडाउन होने के बाद जब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो इसमें से 80% वर्कर जो है गांव भाग जाएंगे। उसके बाद 3 महीने फिर इंडस्ट्री जो है इससे बड़ा लॉकडाउन में जाएगी। आज इंडस्ट्री की परिस्थिति बहुत खराब है। दुनिया भर में देखिए कि इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आज हमारे इधर गवर्नमेंट सहारा लेना बैंक है, देना बैंक तो है ही नहीं है। हमसे रिक्वेस्ट है, हम आपसे मांगते नहीं है, लेकिन हम कम से कम हमारे वर्कर के लिए गवर्नमेंट कुछ करे जिससे कि ये वर्कर्स यही रुके और उनका फैमिली वगैरह सारा जो है यहाँ पे सुख से रहे। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है। सर, एक इम्पोर्टेंट जो अभी यहाँ पे पहलू जो सामने निकल के आ रहा है कि रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने तकरीबन 340 कंपनियों को 15 दिन पहले शुरू कर दिया। उनका कहना था, जो उनकी दलील थी कलेक्टर की, ये कि जब इस इलाके में कोई ऐसा पेशेंट नहीं है तो फिर इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से लॉकडाउन करने का कोई बड़ा फायदा, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी जिंदा रहनी चाहिए, जीवित रहनी चाहिए। क्या थाने जिले की जो नवी मुंबई इंडस्ट्री है, इसमें जब किसी तरह का एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है तो क्या इस इंडस्ट्री को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसका रवैया आपको किस तरह से लग रहा है? क्या कभी वो इस इंडस्ट्री की तरफ देखने के लिए आए, कभी उनका जायजा लेने के लिए आए कि क्या कंडीशन इसकी? हमने 10 दिन पहले MIDC से फोन आया था हमको कि भाई किस किस इंडस्ट्रियों को चालू रखना चाहिए। हम बोले देखो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है और यहाँ जो डिस्टेंस मेंटेन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काफी लंबा होता है, सोशल डिस्टेंसिंग जो कि बिल्कुल मतलब गवर्नमेंट के 1 मीटर या 2 मीटर की बात नहीं है, 5-5 मीटर पे लोग लंबे काम करते हैं। तो हम इंडस्ट्री को अभी ये जो स्लम में रहते हैं, ये 10x10 के कमरे में 8 से 10 आदमी रहते हैं, तो वहां डिस्टेंसिंग होती है नहीं होती है? आज हमारे फैक्ट्री में रहेंगे तो डिस्टेंसिंग रहेंगे, हम उनको खाना खिलाएंगे, हम उनकी तंदुरुस्ती का ध्यान रखेंगे। अभी जैसे आपने बोला, यहाँ का जो कलेक्टर है, इन्होंने सिर्फ कमिश्नर लोगों से जो है, म्युनिसिपल कमिश्नर लोगों से राय ली हुई है। अरे हम इंडस्ट्री वालों से आप राय लो, हम बताएंगे आपको क्या है और हम इंडस्ट्री वाले इसकी पालन करेंगे, खास करके डिस्टेंसिंग और इनका देखभाल, इनका खाने की व्यवस्था, इनकी रहने की व्यवस्था, जैसे सेंटर ने बोला था हम उसके लिए तैयार है। उसके बावजूद पूरे थाना जिसमें नवी मुंबई, अंबरनाथ, सारा बदलापुर, सारी इंडस्ट्री बंद कर दिए, वर्कर लोग जाएंगे कहां, खाएंगे क्या? हम तो गए, मैंने कहा पगार तो कैसे भी दे दिए, ये मैंने पगार देने, हमारे पास कोई ताकत है ही नहीं है। हम इसलिए चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट आंखें खोले और इसके लिए कुछ पॉजिटिव सोचे। हम 40-50% आदमी से भी काम कराएंगे, जो वर्कर आने को तैयार है वो हम उनसे काम चलाएंगे। हमें कोई ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं, हम खुद ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट एक की रिक्वेस्ट, जो उन्होंने जो 21 तारीख को किया हुआ है सर गलत है,
और ये इंडस्ट्री को मारने के पीछे है, उठने को देना का इनका कोई इरादा है ही नहीं है। जैसे आपने बोला कि भाई वहां रायगढ़ वाले जैसे पूरे इंडस्ट्री खोल दिए है, खालापुर, पाताल गंगा, तलोजा, अरे हमने क्या गुनाह किया, हमें क्यों ने खोलने दे रहे हो? आपने जैसा किया नहीं किया, आप किसी से लेते हो? आज आप देखो ये इंडस्ट्री ने इस तरह थाना बेलापुर के उस तरफ जो है रेजिडेंशियल एरिया है, उस तरफ मुश्किल से 1% भी पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र में हुआ, उसका 1% भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, उसके बावजूद हमें क्यों पनिश कर रहे हैं? हमारा रिक्वेस्ट एक ही है एज ए प्रेसिडेंट, बिकॉज आई एम टॉर्चर्ड बाय माय मेंबर्स, हर मेंबर मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे फोन कर रहा है, बोलता है सर आप क्या एसोसिएशन के अध्यक्ष होकर बैठे हुए हैं, आप करते ही क्यों नहीं? हम तो सबको लेटर लिख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ कोशिश कर रहे वहां, लेकिन यहाँ पे जो है लोकल जो ऑफिसर्स है वो हमें दबा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने कहा कि आप अपने तरफ से इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है TMIA के तरफ से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को फिर से चालू किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उस तरह का कोऑपरेशन आपको नहीं मिल रहा है। हमारे साथ प्रकाश पड़िकल जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके आपसे हम जानना ये चाहते हैं कि किस तरह से प्रयास सरकार कर रही है इंडस्ट्रीज को फिर से लाइन पर लाने के लिए, क्या जरूरी है हिदायत और किस तरह के कोऑपरेशन की आप उम्मीद कर रहे हैं सरकार की तरफ से? जिस पॉलिसीज सरकार ने अडॉप्ट किया है उसके मुताबिक तुरंत फैक्ट्रियां चालू करना या काम चालू करने के लिए नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन ही है, क्योंकि जिसको अभी परमिशन दे रखी है MIDC के जरिए या कलेक्टर ने जो परमिशन दे रखी है उसमें क्लॉज ऐसा डाला है आपका फैक्ट्री के अंदर कोई भी कामगार को कोरोना वायरस का कोई भी इश्यू होता है तो आपके ऊपर FIR किया जाएगा। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लोग तो काम चालू नहीं करेगा, अभी कई लोगों को परमिशन आया है, ये एक क्लॉज के वजह से वो काम बंद रखी है, क्योंकि छोटा पैमाने में लोग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये वो नेशन का स्पाइन बोला जावे, 47% एम्प्लॉयमेंट, 43% रेवेन्यू, ये सब आंकड़े हैं। जब तक हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर बराबर तरीके से काम नहीं करेगा देश का अर्थव्यवस्था जो है तकलीफ में ही रहेंगे। और दूसरी बात यह है, सरकार से जैसा हमारा प्रेसिडेंट ने बताया, जैसा सेक्रेटरी ने बताया, सरकार से ये उम्मीद हम करते हैं कि हमारा जो तकलीफें हैं हमेशा हम देते गए हैं, कई टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, सेल टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है, हम इनके लिए कलेक्ट करके हम डिपॉजिट करते हैं, इसमें सब एम्प्लॉयमेंट लगते हैं, अभी उनका भी पगार हमको देने को बोल रहा है कि कहां से लाएंगे, जब भी एक डेढ़ महीने से पूरा कामकाज ठप है, ये बहुत मुश्किल की बात है। कानून के तरीके से बता देते हैं पैसा भरो, बट आया कहां से जो EMI भरने का, EMI में भी इंटरेस्ट का छूट नहीं दिया है, आपको 3 महीने के बाद में इंटरेस्ट भरना ही है, बैंक इंटरेस्ट जो है वो भरना पड़ेगा, इसमें छूट देना चाहिए एक्चुअली 3 महीना या 4 महीने के लिए, और आप एक साल का जो इनकम टैक्स कलेक्ट किया है वो इतना पैसा जो है एक साल का जो कोई कंपनी का है, पार्टनर का है, वो वापस दे दो, और ये तरीके से हम उनको लोगों को सैलरीज दे सकते हैं और आगे काम व्यवस्थित चालू कर सकते हैं। मैं एक्चुअली बेसिकली आपसे ये जानना चाहता हूं कि MSME का रोल जो है अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा है, क्या आपको नहीं लगता है कि सबसे बड़ा जो रोजगार का जो साधन है वो MSME के जरिए आता है, सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने का काम भी MSME करती है, तो ऐसे में सरकार को इस टाइम पर जबकि महीने भर से लॉकडाउन चल रहा है उसका फोकस जो है पूरी तरह से SME को उभारने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल सही है, MSME को लिफ्ट किए बिगर देश का अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने वाला नहीं है, ये बिल्ट में तकरीबन 4000 के ऊपर MSME से 4000, और जैसा परेश मेहता ने बताया, हमारा सेक्रेटरी साहब ने बताया, इतना सारा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो MSME ठप हो जावे इतना लोग बेरोजगार होके घर पे बैठेगा, और स्टार्टअप के लिए कम से कम 2 महीना जाएंगे अभी वापस,
जो रूटीन में आने के लिए, तब तक कुछ ना कुछ जुगाड़ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को हमको सपोर्ट करने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट शासन इसमें सोच विचार करेंगे और लोगों को राहत जरूर देंगे। ओके सर, आप उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर राहत देंगे। हमारे साथ नवनीत मसिलकर साहब हैं जो TMIA के ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि वो फाइनेंस को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके समझेंगे, जिस तरह का बड़ा लॉस हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर, जो लॉस हो रहा है पूरी MIDC का, नवीमबई खासकर मेरा जो फोकस है, नवीमबई और जो पेरिफेरल एरिया है, उसमें आपको कितना बड़ा लॉस दिख रहा है? और ये अगर परमिशन मिलती भी है 3 मई के बाद, अगर लॉकडाउन को अगर फ्री भी किया जाता है या लॉकडाउन उठाया जाता है, तो आपको लगता है कि कितना वक्त लगेगा फिर से इंडस्ट्री को अपनी पुरानी स्थिति में आने के लिए? आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से जो सरकार ने बंधन रखा है सेफ्टी का, ठीक है, सेफ्टी तो पहले, फर्स्ट सेफ्टी, लेकिन देखो अर्थव्यवस्था भी जो भी है वो उतनी इम्पोर्टेंट है। अगर ये इंडस्ट्री चलेगी तो अर्थव्यवस्था बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ये जो सरकार के जो नियम जो है, ये थोड़े से शिथिल होने बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे इंडस्ट्री चलेगी तो हमारा अर्थव्यवस्था सुधरेगा। इम्पैक्ट आपको कितना दिख रहा है इंडस्ट्री पर? इम्पैक्ट कितना दिखा, कितना बड़ा आर्थिक नुकसान इस एक महीने के भीतर? काफी सारा नुकसान है। ये लगभग आप समझ के चलिए, जैसे बताया 4000 यूनिट यहाँ पे है टोटल इंडस्ट्रियल बेल्ट में। ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है एशिया का एक जमाने में नंबर फर्स्ट नंबर पे आ जाता था। इतनी बड़ी संख्या में जो कंपनियां बंद है उससे तो डेफिनेटली अर्थव्यवस्था पे तो इफेक्ट होने वाला ही है। आपको आपको लगता है कि कितना वक्त लगेगा इसको फिर से अपने पुराने स्थिति में आने? सर जी, मेरे ख्याल से अभी देखो ये लॉकडाउन ही एक महीना और निकल जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो भी है एक साल तो एटलीस्ट पकड़ के चलिए कि एक साल ये स्थिति सुधारने में ले लेगा। एक साल लगेगा निश्चित तौर पे। आपने कहा कि जिस तरह की कंडीशन है, पूरी तरह से अगर कारोबार ठप है तो उसको फिर से रिस्टार्ट करने में तकरीबन एक साल का वक्त लगेगा। ये बहुत लंबा समय होता है। एक महीने के अगर इंडस्ट्री बंद होने से अगर कईयों हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है, इंडस्ट्री फिर से पुरानी स्थिति में चली जाती है या वो अपने एम्प्लॉय को पगार देने के लायक भी नहीं रहती है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत बड़ा खतरा है। मैं मेहता साहब आपसे दोबारा मैं चाहता हूं पूछने के लिए, आप खुद एक कंपनी चलाते हैं, आपको लगता है कि एम्प्लॉय को पगार देना कितना मुश्किल है ऐसी कंडीशन में, जबकि अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया कि ये लॉकडाउन और कितने दिन रहेगा? क्या सोच रहे हैं आप? एक तो जो आपने आगे सवाल पूछा उसका एक थोड़ा बहुत मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो TTC MIDC में 4000 इंडस्ट्री है, ये करीबन एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को करीबन 1,00,000 करोड़ रुपया वेरियस फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस में देती है। और एक महीने का मतलब हो गया कि 10,000 करोड़ रुपया तो खाली टैक्सेस का हो गया, लेकिन ओवरऑल बिजनेस लॉस ऑफ 1 month ऑफ इंडस्ट्री इज 1,00,000 करोड़ रुपीज ऑफ दिस 4000 इंडस्ट्री। एक महीने का 1,00,000 करोड़ रुपया, क्योंकि टोटल आवर एरिया प्रोड्यूसेस अबाउट 12,00,000 करोड़ ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। दूसरा कि आपने जैसे पूछा कि सैलरी के बारे में, हम चाहते हैं कि हमें सैलरी देवे हमारे एम्प्लॉयज को, बट हमारी कोई ऐसे आर्थिक ताकत नहीं है कि हम इसको सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर इंडस्ट्री अपने अपने मुताबिक, किसी के पास 100 आदमी है, किसी के पास 200 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, बट दे विल नॉट बी एबल टू डिसबर्स द सैलरी ऑफ दिस मंथ। गवर्नमेंट विल हैव टू कम फॉरवर्ड टू और फाइंड आउट सम वाया मीडिया कि भाई ये कैसे सैलरी दिया जाए। जैसे हमारे एसोसिएशन ने फिनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिनेंस मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट सभी को लिखा है कि सर आप 33% एम्प्लॉय बेयर करें, 33% एम्प्लॉयर दे देगा और 33% गवर्नमेंट बेयर करे, क्योंकि जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बनाया, गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्सेस लेते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, प्रोफेशन टैक्स, ESIC, प्रोविडेंट फंड और बहुत सारे वृद्ध टैक्सेस है जो जैसे GST, वो सभी मिला के अगर इस वक्त पे नहीं खर्चा कर दिया गया और स्टिमुलस पैकेज MSME को नहीं दिया गया उसके अनुरूप, तो कोरोना से भी ज्यादा बहुत बड़ा खतरा आगे, एक जब भी ये लॉकडाउन लिफ्ट होगा उसके बाद में है।
और उससे उभरना ये एमएसएमई की ताकत नहीं है। बहुत सारी एमएसएमई बंद हो जाएगी इसमें, और बंद होने का विशेष सर्कल शुरू हो जाएगा, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो जाएगा और गुड्स की भी अछत हो जाएगी, क्योंकि ये सारी जितनी लार्ज इंडस्ट्री है उसका बैकबोन एमएसएमई है। तो बैकबोन है पूरी अर्थव्यवस्था की एमएसएमई। मैं प्रेसिडेंट के आर गोपी साहब से मैं जानना चाहता हूं कि सर आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्या वजह आपको लग रही है कि आप इतना अच्छा सुझाव दे रहे हैं कि जो इम्प्लॉई है उसका भी हित हो, इंडस्ट्री भी चलती रहे और जो कोरोना संक्रमण है वो भी उसका भी रोकथाम होते रहे, जिस तरह का आपका सुझाव है। आप जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि ऑलरेडी आपने इसका सजेशन भी प्रपोजल भी आपने भेजा हुआ, दिक्कत कहां आपको आ रही है? क्या वाकई सरकार इस बात को समझना नहीं चाहती, क्या वो बहुत ज्यादा डरी हुई है जिसकी वजह से इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता? गवर्नमेंट कभी आज तक नहीं सोचती है कि भाई एमएसएमई कैसे चल रही है, क्या चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। आज हमको मालूम है हमको कितना पिंच हो रहा है, पैसे आए नहीं आए हमारे कस्टमर लोन से, लेकिन हमारा काम है कि 7 तारीख को हम पगार देना है। ये हमारा जान निकल जाए लेकिन 7 तारीख को हम पगार देना है। गवर्नमेंट को ये सब थोड़ी से मतलब है, गवर्नमेंट हर टाइम हमारे हमको चोर समझती है। वी बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज थीव्स। आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, इनकम टैक्स में जाओ, कोई भी डिपार्टमेंट सेल टैक्स में जाओ, सामने वाले को चोरी समझते हैं, क्योंकि हम देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। आज मेरी और एक रिक्वेस्ट ये है कि आपने लॉकडाउन किया, बहुत अच्छा किया, जिससे हमारी ये जो कोरोना वायरस की कुछ काउंट कमती हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज का लॉकडाउन करना चाहिए जो है इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट लोगों को लागू किया हुआ है, जो बैंक क्यों चल रही है। आज हम घर में सो रहे लेकिन बैंक का मीटर चालू है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि पूरा इंटरेस्ट जो है वेव ऑफ करें, जितना टाइम लॉकडाउन करे प्लस 1 मंथ इसको बिल्कुल लॉकडाउन करे, कोई इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। बैंक इंटरेस्ट कमा के क्या करेगी, हम इतने साल देते आ रहे इंटरेस्ट ना, तो जब लॉकडाउन किया गवर्नमेंट तो उनको वो इंटरेस्ट भी जो है पूरा लॉकडाउन करना चाहिए, कोई इंटरेस्ट चार्ज करना नहीं चाहिए। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि इंटरेस्ट को माफ करे, मॉरेटोरियम नहीं चाहिए हमें। हम बोलते हैं हमको इंटरेस्ट पूरी माफी चाहिए, जितना आप लॉकडाउन महीना 2 महीना जो करना है देश के हित में है हम तैयार है, लेकिन इंडस्ट्री वालों का या बाकी किसी का भी हो, जिसने कार लोन लिया हो, किसी ने घर के लिए लोन लिया हो, क्यों बैंक बंद करके बैठे तब भी उसको इंटरेस्ट देना है, कहां का कानून है ये? सो माय रिक्वेस्ट टू द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर इज दैट आप ये ऐलान करें सारे इंटरेस्ट जो है माफ करें, जितना टाइम आप बंद करोगे उससे प्लस 1 मंथ को इंटरेस्ट माफ करें। इतनी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को। सर मेरा जो सवाल था वो एक अधूरा रह गया, उसका जवाब नहीं मिल पाया, कि मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि जब आप प्रपोजल दे रहे हैं कि जो राज्य सरकार है वो आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एम्प्लॉई का भी जिसमें हित हो, इंडस्ट्री भी चले, अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट आए, इसके लिए जो आप प्रपोजल दे रहे हैं वो सरकार उस पर निर्णय लेने के लिए तैयार क्यों नहीं? आखिर क्या उसको लग रहा है कि कहीं ज्यादा खतरा है जिसका उसको उसको लग रहा है ज्यादा खतरे की वजह से नहीं हो पा रहा ये निर्णय, या उसके पीछे कुछ और कारण है कि सरकार को इंडस्ट्री की कोई चिंता ही नहीं है? जैसे हमने बताया कि एशिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन है हमारी ये इंडस्ट्री, ये फिक्की इसको उसको मीटिंग को बुला रहे हैं, एमएसएमई का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो आज नई मुंबई टीटीसी है, आज तक हमें हमारे राय के लिए कोई भी मीटिंग के लिए बुलाया नहीं गया है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें बुलाए जो हम एमएसएमई से, आप बोले 500,000 जितने एमएसएमई मैं लेके आता हूँ, आप हमसे बात करें, हमसे सच्चाई सुने हम कहाँ फंसे हुए हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट एक ही है कि भाई हमें बुलाए, हमारी रिक्वेस्ट सुने। जैसे कलेक्टर जो है दे दिया पेपर में कि भाई हमने लॉकडाउन कर दिया, कंटेनमेंट कर दिया, लेकिन हमसे एक बार बात कर लेती भाई क्या बात है, क्या भाई कम टू द ग्राउंड सिचुएशन, आप ग्राउंड सिचुएशन को समझे और बाद में निर्णय ले। मेरी स्टेट और सेंटर से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी सुने, हम 400,000 इंडस्ट्री के प्रतिनिधि हैं, हमसे समझे हम कहां पे फेस कर रहे हैं। हमारे कई मतलब आप बोले चने से लेके
हर चीज हमारे इंडस्ट्री में मिलती है, कहीं पे नहीं इंडिया में, या आप पूरे एशिया में देखिए। तो हमें कुछ तो वैल्यू दीजिए, हम आप लोगों को लेटर लिख रहे हैं, ना कोई जवाब आता है ना कुछ आता है, हमसे कोई पूछते भी नहीं है, हमसे खाली टैक्सेस दो टैक्सेस दो टैक्सेस दो, बस हम खाली देने के लिए बैठे हुए। सर मैं आखिर में मैं एक एक सवाल मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सिर्फ आपकी आपका आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैं सबसे आखिर में चाहता हूँ कि नवनीत जी आप बताएं कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कलेक्टर को, या क्या अपनी राय रखना चाहते हैं उनके सामने, ताकि फिर से इंडस्ट्री जो है जहां पे कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे कोई संक्रमण नहीं है और जहां इलाका पूरी तरह से सेफ है, उस इलाके में इंडस्ट्री को चालू करने के लिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री या जिलाधिकारी को किस तरह की राय देना चाहते हैं, एक लाइन में आप बताइए सर प्लीज। मेरे हिसाब से जो भी अभी जो बंदी रखी है हमारे इस इलाके में टीटीसी इंडस्ट्री में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है और सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करके देने वाला माध्यम है, तो सरकार ने जरूर इस बारे में सोचना चाहिए कि ये रिवेन्यू जो है ये चालू रखना है या बंद करना है, जो कि देश के आर्थिक व्यवस्था पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट दे रहा है। तो जरूर कलेक्टर हो या सीएम हो या पीएम हो, उन्होंने इस बारे में दखल लेना जरूरी है। प्रकाश पड़ीकर साहब क्या राय देना चाहेंगे सर आप सरकार को कि किस तरह से इंडस्ट्री को फिर से चालू किया जाए? अनकंडीशनल स्टार्टिंग, कोई कंडीशन डाल के, कोई पाबंदी लगा के इंडस्ट्री चालू करने के लिए बोले तो कोई तैयार नहीं होगा इस चीज के लिए। पहले ऐसा सब क्लोसेस जो है जिम्मेदारी एम्प्लॉयर के ऊपर लगाने का वो निकालना चाहिए और फेस वाइज चालू कर दो आप। अभी एक चीज देखा जाएगा तो एम्प्लॉय जो है मोर सेफ फैक्ट्री में ही रहता है, जैसा हमारा प्रेसिडेंट ने बताया, डिस्टेंस तो कीप अप करता ही है, एक एम्प्लॉय से दूसरा एम्प्लॉय तक डिस्टेंस कम से कम 2 से 3 मीटर रहता ही है काम करते वक्त पर। बाकी देखने के लिए इतना तो कॉमन सेंस एम्प्लॉयर में है कैसा सुविधा प्रोवाइड करना है, जो स्लम्स में रहते हैं जो उनका निवास स्थान है वहां से ज्यादा सेफ वो लोग हमारा फैक्ट्रियों में रहेंगे, तो गवर्नमेंट को तुरंत ये सब मद्देनजर रखते हुए कार्य फैक्ट्रियां खोल के कामकाज चालू करने का व्यवस्था करना चाहिए। क्या गोपी साहब फाइनल क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, अगर कम शब्दों में अगर आपको सरकार को सुझाव देना है या रिक्वेस्ट करनी है तो आप क्या कहेंगे सर? हम यही कहना चाहते हैं कि कलेक्टर साहब को और सीएम साहब को सारी इंडस्ट्रियां खोल दो, हम अपने मेंबर्स अपने मालिक लोगों से करेंगे कि भाई आप लोग ये फलाना कायदा को हाथ में रखे हुए इनकी सुविधा देखे, इनको ट्रीटमेंट दे, इनका खाने का बंदोबस्त करें, ये सारी सुविधा मतलब वो हमारे फैमिली के मेंबर है, वो वर्कर मतलब फैमिली मेंबर होता है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उनको देखेंगे। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इंडस्ट्री आप खुलवा दो, इतनी ज्यादा पाबंदियां मत लगाओ और कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे फैक्ट्री मत चालू करो, कोई नहीं चालू करेंगे। अभी कोई बाहर से आया उसने कोरोना लाया, मेरे फैक्ट्री में मेरे को बोलते तुम्हारा कोरोना तुम्हारा फैक्ट्री पूरा मैं सील कर दूंगा, ये कोई कायदा लगा था? हम भी चाहते हैं, हमारा भी जान है, हमारे वर्कर लोग जान है, हम चाहते हैं कि उनको बचाए, कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे हमको फैक्ट्री चालू नहीं करना है। मेहता साहब मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, अगर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी तो अभी जो कोरोना वायरस का एपिडेमिक या पेंडेमिक जो भी आप बोलो उसका जो अभी खतरा है उससे भी ज्यादा खतरा आने वाले 3 महीने के बाद में चालू हो जाएगा। गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के बारे में सोचना ही चाहिए और ये जो ब्यूरोक्रेटिक जो अप्रोच है जो ब्यूरोक्रेसी का वो सारा बाजू पे रख के ग्राउंड रियलिटीज देख के निर्णय करने चाहिए कि क्या स्टिमुलस पैकेज होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए। आज सभी लोगों ने जैसे अमेरिका ने 10% ऑफ देयर जीडीपी स्टिमुलस डाला, जर्मनी ने 20% ऑफ देयर स्टिमुलस पैकेज डाला, जबकि इंडिया में सिर्फ 0.7% और वो भी ओनली फॉर एग्रीकल्चर एंड वर्कर्स, बट नथिंग इज बीन गिवन टू इंडस्ट्रीज। सो वी सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू गिव अ फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज टू एमएसएमईज।
जैसा कि आपने देखा कि जितनी भी चर्चा में हमारे सामने जो बात उभरी है वो सिर्फ एक ही बात है कि जब नवी मुंबई में इंडस्ट्रियल एरिया में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनमें भी कोई संक्रमित नहीं है, फिर ऐसी कंडीशन में नवी मुंबई के इंडस्ट्रीज को रेड जोन में डालना कहीं ना कहीं बड़े आर्थिक नुकसान की तरफ इस पूरे अर्थव्यवस्था को ढकेलना है। तो जिस तरह की बात चल रही है, जैसा प्रपोजल TMIA ने दिया है सरकार को और स्थानीय प्रशासन को, उनको उम्मीद है कि सरकार निश्चित तौर पर इस बात पर गंभीरता से विचार करेगी और जो नई मुंबई की इंडस्ट्रीज है, जो MSME है यहाँ की, जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है, जो देश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है, उसका ध्यान रखते हुए नई मुंबई की इंडस्ट्रीज को नियमों के तहत चालू करने की परमिशन दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और स्थानीय प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और रोजगार को देखते हुए अर्थव्यवस्था की फिर से पटरी पर लाने के लिए निश्चित तौर पर इसे सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। तो आज की बातचीत में बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।